कहना चाहेंगे कि किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक से? देखिए, पब्लिक से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इसको। जैसे मुंबई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में तो बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लड़का वहाँ का है, रोहतक का लड़का है, हरियाणा का लड़का है, हरियाणा के लोग इसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, दिल्ली के लोग काफ़ी रिस्पांस दे रहे हैं, और चंडीगढ़ में तो इसका काफ़ी अच्छा, इनको स्टार भी काफ़ी अच्छे मिले हैं चंडीगढ़ में, बहुत ही अच्छी मूवीज आ रही हैं। देखिए, आजकल कैसा है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सबको समझ में आती है कि जात पात के ऊपर क्यों निकालनी चाहिए। जो पहले होता था, एक अत्याचार होता था छोटी जातियों पे, उनको समझते थे कि ये छोटी जाति का है, तो आजकल एक लोगों को ये बताया जाता है, मूवी के जरिए बताया जाता है कि भाई ये सब समाज में नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदुस्तान की जात के सिवा कोई जात नहीं है। और मनोज जी, कुछ लोग संगीन दिमाग के होते हैं, कुछ लोग ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो जो लोग इस चीज के खिलाफ है, अनकिल के खिलाफ है, जो लोग सपोर्ट करते हैं, उसके बारे में कि किसी तरह का आपको मतलब तकलीफ हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी समूह से इसमें को लेकर? नहीं, एक्चुअली मुझे तो एक्चुअली कुछ इसका वो नहीं है, ये स्टोरी थी, एक रियल स्टोरी थी, ये देखने के बाद ही हम लोगों ने ये सब सोचा, तो भावेश जी को लेके ये पिक्चर बनाना पसंद है। सर, पिक्चर देख के रिस्पांस तो ये बहुत अच्छा है कि लोगों की सोच बदले और जाति के ऊपर जो मतभेद है वो मिटना चाहिए। कुछ कुछ राज्यों में अभी भी ये सब चल रहा है, तो इसमें मैसेज है इस पिक्चर में, तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए और बहुत तेज़ी से पहुंच रहा है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो लोगों की सोच भी थोड़ी चेंज हो रही है, लोग समझ रहे हैं। भावेश जी की पहली मूवी है, कितना ज़्यादा अपना एफर्ट पुट किया, कितना ज़्यादा कलाकार के तौर पर साबित हो पा रहे हैं? भावेश जी ने तो बहुत अच्छा काम किया, जैसे देखे तो एक नया न्यू एक्टर ने जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने बखूबी निभाया, और सबसे अच्छी बात इसमें है जो मनोज तिवारी जी ने डायरेक्शन किया है, एक नए कलाकार को लेके उनसे ये सब करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट उन्होंने कर लिया, भावेश जी का बहुत अच्छा काम था। आगे हमारी एक मूवी आ रही है हवाई मूवी, हम लोग बहुत जल्दी लगभग फरवरी में हम लोग रिलीज कर देंगे। उसका विषय भी क्या कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल विषय क्या विषय एक्चुअली वो अभी चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, मैं कुछ दिन के बाद ही आपको बता सकता हूँ, अभी उसके बारे में इतना हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड मूवी टू से अबाउट इट, इट्स अ गुड मेकिंग, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हैज अ गुड फाइनेंसर फॉर दैट, एंड दिस इज अ मैसेज ऑफ सोसाइटी, तो यू कैन सी द गिव इट टू ऑल सोसाइटी टू मैसेज, जो हमारी परंपरा चलती है उससे थोड़ा कुछ हटके, क्योंकि लाइक लोगों ने देखा है आज तक सैराट मूवी देखा है, लाइक उसके जैसा लोग समझते हैं कि कॉपी है, तो लोग बहुत सारे लोग को देखने नहीं जाते, तो आई वॉन्ट टू सी द ऑल सोसाइटी द मेम्बर्स, एक बार ये मूवी देखिए, इट्स अ वेरी गुड मूवी and this is a good message to all peoples, and please be a vote for this movie, and very workful hard hai jo hero ne kaam kiya, heroine ra very, I'm very happy, and I never see this movie like this, ki aisi movie bahut kam banti hai jo society ko message deti hai, lag apna industrials mein kaisa rehta hai, entertainment aur wagaire sab banate hai, pan society ke message ke liye kuch nahi banate, and this I'm very happy for that, I want to see this movie, and thank you for giving me this opportunity to say about myself and about a movie, thank you everyone. Yeah, many people are coming here. I was see right now. I was come to see the movies. 300 people I was see. So many on theater is going a houseful to giving a response. I think so. This movie will be good touch in the market and give it a good response in the market. So please be. आप लोग के support की जरूरत है और आप लोग अपने vote कीजिए please और ये movie को ज़्यादा से ज़्यादा promote कीजिए because ये movie के ऊपर आपकी life आज के हमारे career के ऊपर चल रही है और हमारे यंगस्टर मूवीज है, प्लीज बी अ वोट फॉर दैट, थैंक यू।
सिनेमा की चेन ऑल इंडिया में है और हम लोग ज़्यादातर बी क्लास शहर है उनमें, जहाँ लोगों में आजकल मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का शौक है वो तो लोग आजू बाजू के शहरों में जाके देखते हैं। तो हम लोग शहरों में तो अब 10 मल्टीप्लेक्स पहले से चल रहे हैं, 11वां खुल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक छोटा कस्बा है उसमें मल्टीप्लेक्स आता है तो एक रौनक आती है, व्यापार आता है और लोगों को एक स्वस्थ मनोरंजन मिलता है, सस्ता मनोरंजन मिलता है। हम लोगों ने ऑल इंडिया में उसी ढंग से खोल रखे हैं सारे। तो ये पिक्चर भी हम लोगों को ने इसलिए चुनी, हमारे गोल्ड की ऑल इंडिया चेन में ये फिल्म पैसे प्यार पैसे फरार जोगिंदर जी ने बनाई है और उनके लड़का है इसमें, बहुत ही हीरो का रोल जिसने किया भावेश कुमार ने, बहुत अच्छा रोल किया, मैंने खुद ने फिल्म देखी है। देखिए आप अगर आप एक बात मानिए, अपन भावेश कुमार की कल दूसरी फिल्म आती है तो लोग निश्चित देखने के लिए आएंगे। क्यों आएंगे? उनको लगेगा यार उस फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था उसने और लगा भी बहुत अच्छा है। पहले अमित जी बहुत लंबे हाइट गिनी जाती थी, पहले हीरो 5'10" 5'11" से ऊपर होते ही नहीं थे, तो वैसे ही इसमें एक लंबा और एकदम अपने गोरा चिट्टा एकदम देखने लायक है। हाँ, सब लोगों को मैं तो ये कहूँगा देखनी चाहिए पिक्चर। और एक ये सफल कोशिश की है, इसके डायरेक्टर मनोज तिवारी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है और म्यूजिक है, आप सुनोगे आपकी तबीयत खुश होगी और बाहर निकल के थिएटर के बाहर निकल के भी गुनगुनाने का मन करेगा। सर ये जानना चाहूँगा, ज़्यादातर जो मल्टीप्लेक्स हैं बड़े बजट की फिल्म को जो देते हैं, मतलब स्ट्रीमिंग आते हैं, कितना जरूरी इस तरह के स्मॉल बजट की एवरेज बड़ी फिल्म को मतलब दिखाना मल्टीप्लेक्स में ताकि व्यूअर्स आएं? एक्चुअली में ये मल्टीप्लेक्स की दोस्त नहीं है कोई भी, मल्टीप्लेक्स के हाथ में कुछ नहीं होता है किसी को दिखाना। देखिए पिक्चर की तीन कड़ी है, प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर एग्जीबिटर। मल्टीप्लेक्स सारे एग्जीबिटर, उनको जो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म भेजता है तो वो हमको दिखानी है। हमारा तो डायरेक्ट तो प्रोड्यूसर के साथ कोई लिंक ही नहीं होता है कोई भी, तो ये कहना और या ये दोष देना कि मल्टीप्लेक्स नहीं दिखाते ये गलत है, डिस्ट्रीब्यूटरों को दिखाना चाहिए। पहले आपको याद होगा कि कोई ज़माने में बड़ी फिल्में शोले आती थी तो छोटी फिल्म चित्तौर भी आती थी, लेकिन गोल्ड पर ही आती थी। क्या कहना चाहेंगे, एक साधन था पहला डिजिटल आने से पहले, एक गोल्ड का एक अपना ब्रांड था, शोले फिल्म भी गोल्ड पर ही आई है। गोल्ड की तीन तीन सीडी आती थी, वीडियो कैसेट आती थी जी। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक सफर की बात करें? देखिए क्या था कि 83-84 में वीडियो आया तो उस टाइम हम लोग वीडियो घर के लिए लाए तो हमारे पास समस्या थी कि वीडियो कैसेट मिलती नहीं थी, कारण वीडियो लोगों के पास थे नहीं। तो हम लोगों ने कहा यार ये वीडियो का ही काम करना चाहिए अपने को, तो हम लोगों ने गोल्ड और टाइम के नाम से दो कंपनियां बनाई। आप देखो मैक्सिमम हम लोगों ने 4,500 फिल्में इसके ऊपर रिलीज की आज तक। पहली वीडियो कैसेट हम लाए, उसके बाद VCD हम लाए, DVD हम लाए, ब्लू रे हम लोग लेके आए इसके अंदर, और उसके बाद डिजिटल सिनेमा हम लाए। सबसे पहले कोई भी डिजिटल शब्द ही नहीं जानता था जब हम लोगों ने डिजिटल सिनेमा लाए, उसके बाद ये कंपनियां आई UFO और 2K बाकी की सारी, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, एग्जीबिटर नहीं है, तो उनके साथ किया। तो डिजिटल आने से अब आज एक प्रिंट की कॉस्ट 70,000-80,000 लाख रुपये तक पहुँचती है और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो आदमी 4,000-5,000 थिएटरों में फिल्में लगती है। हमारे ज़माने में उस टाइम 40-80-100 तो बहुत बड़ी फिल्मों में लगती थी, बाद में 300-400 यशराज की, राकेश रोशन की, ऐसे लोगों की फिल्में 300-400 थिएटर तक पार की, आज 4,000 में लगती है। तो सारा गेम 7 दिन का हो गया, वो गेम भी इसीलिए हुआ है कि 4,000 थिएटरों में फिल्में लग रही है, इसीलिए हो रहा है। सर ये जानना है इस तरह की जो फिल्में हैं, जो रेवेन्यू मॉडल होता है, किस तरह से आपके लिए चुनौती बन जाती है कि आप प्रॉफिट अर्न करें इस चीज़ में? हाँ, ये चक्कर क्या होता है कि दर्शक आना जरूरी है, छोटी फिल्में भी बड़ी फिल्में बन जाती है, फिल्म का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, चलने पर ही वो फिल्में बड़ी है, चलने पर ही सारी फिल्में। और थिएटर तक नहीं पहुंचा, उसका कॉस्ट क्या है थिएटर में लगाने का और
इस टाइम करीब 450-450 फिल्में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की लागत की लेबोरेटरियों में पड़ी हुई अनरिलीज, और वो फिल्में वहीं पैदा हुई वहीं मर जाएगी सारी फिल्में, वो ड्यू टू एग्जीबिशन नहीं होने से। समस्या क्या है कि अगर एक पिक्चर कोई आदमी बनाता है और वो थिएटर में नहीं लगती है तो उसका सेटेलाइट नहीं बिकता, सेटेलाइट वाले उसका पिक्चर नहीं खरीदते। उनकी पहली शर्त होती है चाहे थिएटर में फ्लॉप रही हो चाहे हिट रही हो उससे मतलब नहीं है, वो कहते हैं थिएटर रिलीज हुई है, रिलीज होने पर वो रिलीज करेंगे, उसका वीडियो आएगा तो कोई आदमी देखेगा नहीं, कारण थिएटर में रिलीज होती है तो उसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन होता है तो आप एक वीडियो की दुकान पर खरीद, आज तो वीडियो बिकता ही नहीं है लेकिन आप डाउनलोड भी कब करते हो जब उस फिल्म का नाम सुने हुए होते हो, और नाम कब सुनते हो थिएटर में ट्रेलर देखते हो, थिएटर में फिल्म देखते हो, पोस्टर देखते हो, तो ही आपको नाम का मालूम पड़ता है। एक आखिरी सवाल, भावेश कुमार के लिए क्या शुभकामनाएं आपकी हैं? भावेश का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसमें दो राय नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारी चेन में ये फिल्म लगी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ आजकल चार्जेस नहीं होता है कुछ भी, ये डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बंधा हुआ है मल्टीप्लेक्स का और उसका। देखिए इसमें हम तीन पार्टनर होते हैं, एक सरकार वो GST लेती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर वो अपना हिस्सा लेता है, एक एग्जीबिटर। तो हम लोगों ने आपस में तय किया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर्स में कि भाई GST काटने के बाद जो बचेगा वो आधा आधा करेंगे, तो वो पैसा होता है, बाकी का कोई चार्जेस नहीं होता, बिल्कुल फ्री है, फ्री है। तो 14,000 लोग लेते हैं कि मैं थिएटर में गोल्ड में लगा दूंगा, हाँ प्रोड्यूसर से 14,000 पर थिएटर लेते हैं, जैसे 100 थिएटर उन्होंने बुक किया, हाँ उससे 14 लाख रुपये ऐड किए। वो उसने नहीं लिए, डिस्ट्रीब्यूटर ने नहीं लिए, आपके कोई फिर आप मिसकम्युनिकेशन है आपके साथ में, वो डिजिटल चार्जेज है। जैसे UFO को आपने फिल्म दी, अपना नेगेटिव दिया, वो उसको पहले डिजिटाइज करेंगे, उसको डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वहाँ से वो सारे थिएटरों पर डाउनलोड करेंगे, सारे थिएटरों को उसके चार्जेज आपसे ले रहे हैं। UFO या जो भी कंपनी, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिस कंपनी के साथ आप जिस थिएटर में, हाँ उनके चार्जेज नहीं, ये देखिए ये एक शोध का विषय है, इस पर बहुत सारे प्रोड्यूसर भी उनसे बात कर रहे हैं, रोज़ उनकी मीटिंग ये हो रही है, उनको अब कई लोगों को भारी लगने लग गया, कारण आप एक 4,000 थिएटरों में आप फिल्म रिलीज करते हो तो 1.5-2 करोड़ रुपया डिजिटल चार्जेस बन जाता है, लेकिन वो भी क्या करें, इनके इक्विपमेंट आप देखिए, हमारे जैसे इस पर्टिकुलर इस थिएटर में जो इनका प्रोजेक्टर लगा हुआ है वो 50 लाख रुपये का, तो और इनको हर 5 साल बाद चेंज करना होता है पहली बार, फिर इनके सेटेलाइट के चार्जेस, इनकी डिजिटाइज के को इनके जो टेक्नीशियन है, आप इनको अब भी फ़ोन करो आपको 20 मिनट के अंदर इनका टेक्नीशियन मिलेगा, हर इंजीनियर इनका लाख रुपये से कम का नहीं है, तो वो पगार कहाँ से चुकाएंगे, तो उनका है स्वामी, लेकिन फिर भी साथ बैठ के कम किया जा सकता है, तो वो नहीं, छोटे प्रोड्यूसर के लिए एक तो फिल्म की कॉस्ट हो गई और फिर ये कॉस्ट हो गई, तो उसके लिए भारी पड़ता है। एक और आखिरी सवाल चलते चलते, कि जैसे अभी आपने कहा कि जितना भी पैसा आता है 50% मैं लेता हूँ और 50% GST काटने के, GST काटने जी, प्रोड्यूसर का क्या, प्रोड्यूसर को कितना, वो डिस्ट्रीब्यूटर ही देता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर तो प्रोड्यूसर के भी हाथ पर ही लेगा,